सर बिस्मिल्लाहिर्रहमान नहीं तो सर आज हम कवर करेंगे पावर ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की ताकत क्या है, डायरेक्टर को क्या पावर दिए गए हैं लॉ की तरफ से। हाँ, लेकिन अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई कंपनी कोई पावर छीनना चाहती है, कोई पावर पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहती है तो वो लगा सकती है, लेकिन लॉ ने ये जो पावर दिए हुए हैं ना डायरेक्टर्स को, वो आपस में डायरेक्टर्स ये पावर ऐसे हैं, ये नीचे वाली चीजें ऐसी हैं जो लॉ की तरफ से डायरेक्टर खुद ही कर सकते हैं, मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर खुद ही आपस में, 6 डायरेक्टर हैं, 7 डायरेक्टर हैं, 8 डायरेक्टर हैं, 3 डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्टर खुद ही कर सकते हैं, उन्हें मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन जब भी कोई इस तरीके का डिसीजन होगा जो डायरेक्टर ले रहे होंगे, तो सर हमेशा हमेशा जब भी ऐसा कोई डिसीजन होगा जो डायरेक्टर ले रहे होंगे, तो सर हमेशा उनको आपस में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कहाँ पे रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा सर, कहाँ पे रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर। मैं दोबारा रिपीट कर दूं सर, मैं दोबारा रिपीट कर दूं सर, ये वो पावर्स हैं जो कि डायरेक्टर खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं, लॉ की तरफ से दिए गए हैं, ये वो ताकत हैं, ये वो पावर्स हैं। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मना नहीं किया गया, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई, तो ये लॉ की तरफ से पावर दिए गए हैं, ठीक है ना। नॉर्मली मना नहीं किया जाता, 90% 95% डायरेक्टर खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना सर, उनको मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन पास करने से पहले आपस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में खुद में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जैसे कि अगर 7 डायरेक्टर्स हैं और 7 डायरेक्टर बैठ के कोई ऐसी बात करना चाह रहे हैं, जैसे कि सर इनमें से कोई भी जो नीचे लिखी हुई है बातें, इनमें से अगर कोई भी ऐसी बातें अगर डायरेक्टर्स करना चाह रहे हैं, तो सर उनको आपस में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, 7 डायरेक्टर में फैसला करना पड़ेगा। हाँ भाई, हम 1 मिलियन से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट या कोई भी एसेट है प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट के अंदर, टेंजिबल एसेट, ठीक है, हम उसको परचेज करना चाह रहे हैं, उसकी कॉस्ट अगर कोई 1 मिलियन है तो सर 1 मिलियन से अबो है और हम उसको खरीदना चाहते हैं। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप क्या कहते हैं सब मामले पे, चेयरमैन पूछेगा, ठीक है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयरमैन को मिला के 7 होंगे, मतलब टोटल 6 और 1 चेयरमैन। चेयरमैन भी खुद डायरेक्टर होता है जो कि उनका सबसे बड़ा लीडर होता है, एक कैप्टन होता है जो कि आपस में बना रहे होते हैं, ठीक है ना। तो सर वो सब आपस में फैसला करते हैं, हाँ भाई लेना चाहिए, हाँ, एक ने बोला, 3 ने बोला हाँ लेना चाहिए, 4 ने बोला नहीं लेना चाहिए, तो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। अगर 4 ने बोला हाँ लेना चाहिए, 3 ने बोला नहीं लेना चाहिए, रेजोल्यूशन पास हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में जो रेजोल्यूशन पास होता है, 2 रेजोल्यूशन होते हैं, एक रेजोल्यूशन मेंबर्स का, ठीक है ना, मेंबर के रेजोल्यूशन 2 होते हैं, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, एक नॉर्मल रेजोल्यूशन, ये दोनों मेंबर्स के दरमियान होते हैं। एक रेजोल्यूशन होता है बोर्ड के दरमियान, वो बोर्ड के दरमियान एक की रेजोल्यूशन होता है, ठीक है ना, जो बोर्ड में पास हो रहा था। ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो पावर्स हैं जो नीचे आ रहे हैं, डायरेक्टर्स आपस में डिस्कस करके सर ये पास कर सकते हैं, ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। सर कौन कौन से हैं, अगर कंपनी को कभी भी शेयर इशू करने हैं, अगर कंपनी को कभी भी प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, अगर कंपनी को कभी भी डिपेंचर्स खरीदने हैं, अगर कंपनी को कभी भी प्रेफरेंस शेयर खरीदने हैं, प्रेफरेंस रिडीमेबल कैपिटल क्या होता है सर, वर्ड रिडीमेबल कैपिटल मतलब वो शेयर जो कि काबिले वापसी हो, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होता है ना नॉर्मली नॉर्मली सर, वो रिडीमेबल होता है, आप कंपनी को वापस करके पैसे ले सकते हो, रिडीमेबल शेयर, रिडीमेबल शेयर, रिडीमेबल कैपिटल बोलो, रिडीमेबल शेयर बोलो, एक ही बात है, वो ऐसी चीज जो कि वापस हो सके, मैं जिससे खरीद रहा हूं उसको वापस देके मैं उससे वापस पैसे ले सकूं। इन केस ऑफ कंपनी, लिस्टेड कंपनी सिर्फ अपने शेयर बायबैक कर सकती है और कोई कंपनी अपने शेयर बायबैक नहीं कर सकती, ये हम पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 21 के अंदर, ठीक है ना। परचेजिंग ऑफ ऑन शेयर्स ऑफ कंपनी की जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसके अंदर हम कवर करके आए थे। अगर कंपनी कभी भी शेयर इशू करेगी, अगर कंपनी कभी भी डिबेंचर इशू करेगी, अगर कंपनी कभी भी ऐसी कोई सिक्योरिटी खरीदेगी जो कि काबिले वापसी होगी, रिडीमेबल होगी, ठीक है ना, या कभी भी कंपनी लोन लेगी, कभी भी कंपनी लोन लेगी, ठीक है ना,
और या कभी भी कंपनी सर किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेगी, किसी भी जगह पे भी इन्वेस्टमेंट करेगी, तो इन डेट सिनेरियो कितनी बातें हो गई, शेयर खरीदेगी, डिपेंचर खरीदेगी, या कोई रिडीमेबल कैपिटल खरीदेगी, या लोन लेगी, या अपने पैसे अपने फंड्स कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेगी, तो सर सारे डायरेक्टर्स आपस में रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद ही इस फैसले पे अगर रेजोल्यूशन पास हो गया तो सर वो सर ये चीज करेंगे, वरना लेगी या इशू करेगी, सर इशू करेगी, शेयर्स इशू करे या शेयर परचेस करे, अगर शेयर परचेस करेगी तो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा ना, शेयर इशू करे या शेयर परचेस। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं कहूँ कंपनी अपने फंड्स इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसका क्या मकसद, कंपनी किसी को ज्यादा अमाउंट का लोन देना चाह रही है, कंपनी किसी की दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेस करना चाह रही, तो इन्वेस्टमेंट हो गई ना, ठीक है ना, या कंपनी सर किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलके जॉइंट वेंचर खोलना चाह रही है, पार्टनरशिप करना चाह रही है, जॉइंट ऑपरेशन करना चाह रही है, ठीक है। उसके अलावा सर अगर मैं आगे बढ़ू, सर उसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ू तो टू मेक लोन्स प्रोवाइडेड इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, टू मेक लोन्स प्रोवाइडेड इन केस, अच्छा कभी भी कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी को अगर लोन देगी, कभी भी कंपनी, अब देखो एक ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका काम ही लोन देना होता है और लोन लेना होता है, सर वो कौन सी कंपनी होती है, बैंकिंग कंपनीज सर, माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है सर, कमर्शियल बैंक, कुछ ऐसे मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनका काम ही जिनका कारोबारी लोन देना और लोन लेना होता है, तो इन डेट सिनेरियो सर उनका तो काम ही लोन देना लोन लेना है, अब क्या जब भी वो लोन देंगे लोन लेंगे तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछेंगे क्या, नहीं सर, उनका तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है, वो है ही उनका लोन लेना लोन देना, वो है ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो हर दफा थोड़ी पूछेंगे। यहाँ पे बात हो रही है कि भाई वो कंपनी जिसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लोन लेना लोन देना नहीं है, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, इट मींस अ ट्रेडिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ठीक है ना सर, मुदारबा कंपनीज, वो कंपनी जिनका काम लोन देना लोन लेना नहीं है सर, अगर वो कंपनी किसी को लोन दे रही है या उससे लोन ले रही है, ठीक है ना, तो सर उसके केस में भी डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा सर, डायरेक्टर्स को आपस में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दूसरी चीज, कभी कभी कंपनी क्या करती है, अब देखो लिस्टेड कंपनी पे रिक्वायरमेंट होती है कि वो एक साल में अपने अकाउंट तो बनाएंगी, वो 12 महीने के अकाउंट तो बनाएंगी और उनका ऑडिट भी करवाएंगी, लेकिन लिस्टेड कंपनी पे ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि हर तीन महीने में मतलब क्वार्टरली, और हर 6 महीने में मतलब सेमी एनुअली, हाफ ईयरली बोलो, 6 महीने में मतलब हाफ Yearly, हर 6 महीने में आपने क्या करना है, जैसे कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर 2019, तो कंपनी क्या करेगी सर, जनवरी 1, 2020 से लेके मार्च 2020 तक अकाउंट्स जमा करवाएगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, इसको बोला जाता है क्वार्टरली अकाउंट्स। ये हम कहां पे पढ़ेंगे सर, जो आखिरी हमारा चैप्टर है ना ऑडिट एंड अकाउंट्स वाला, उसके अंदर ये टॉपिक कवर हो जाएगा क्वार्टरली अकाउंट्स। तो हर लिस्टेड कंपनी उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट, ये टॉपिक नया एड हुआ है, उस पर लॉ की रिक्वायरमेंट है कंपनीज की, हर लिस्टेड कंपनी क्वार्टरली अकाउंट्स बनाए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करे, और हाफ ईयरली, ठीक है ना, आप देखो जनवरी से लेके मार्च तक आपने क्वार्टरली अकाउंट बनवा लिए, फिर क्या होगा जनवरी से लेके फरवरी सर, जैसे जून आ जाएगा तो 6 महीने हो जाएंगे, तो जनवरी से लेके जून तक आप जो 6 महीने के अकाउंट्स है वो भी आप जमा करवाओगे, फिर क्या होगा सर जून से लेके सितंबर तक बनेंगे अकाउंट्स, फिर क्या होगा सर सितंबर से लेके दिसंबर के अब नहीं बनेंगे, अब क्या होगा जनवरी से लेके दिसंबर तक बनेंगे पूरे 12 महीने के। तो सर सेमी एनुअली मतलब जिसको हाफ ईयरली बोला जाता है, हाफ ईयरली अकाउंट्स एंड क्वार्टरली अकाउंट जब भी बनाए जाएंगे तो उनको कौन अप्रूव करेगा सर, डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे सर, डायरेक्टर अप्रूव करेंगे किसके अंदर अप्रूव करेंगे सर, अपने बोर्ड की मीटिंग के अंदर, बोर्ड की मीटिंग के अंदर, ठीक है ना, मेंबर्स को सर ये मेंबर्स से अप्रूव नहीं करवाए जाते सर, कौन से अकाउंट्स मेंबर्स से अप्रूव करवाए जाते हैं सर, वो अकाउंट जो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो अकाउंट्स मेंबर्स से अप्रूव करवाए जाते हैं सर, वो कौन से अकाउंट अप्रूव होते हैं जो एजीएम के अंदर अप्रूव होते हैं मेंबर्स से सर, ईयरली अकाउंट्स 12 महीने वाले अकाउंट्स, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो 12 महीने की रिपोर्ट बनेगी ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट, ऑफ कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट सर, ये जो बनेंगे
ये 12 महीने के होते हैं और हमेशा ये एजीएम के अंदर अप्रूव होते हैं, और इसी के साथ ही फाइनल डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है ना, जो डिक्लेयर किया जाता है वो अप्रूव कौन करता है सर? फाइनल डिविडेंड, सर फाइनल डिविडेंड हमेशा अप्रूव करते हैं सर बोर्ड मेंबर्स एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। लेकिन कंपनी जो कि अगर कंपनी की अच्छी पोजीशन है और लिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट भी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से कि आपने क्वार्टरली एंड सेमी एनुअली अकाउंट्स जमा करवाने, तो सर उन पे साइन कौन करेगा? वो अप्रूव कहाँ पे होंगे सर? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर अप्रूव होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, कभी भी कंपनी सर अब जब क्वार्टरली अकाउंट्स अप्रूव करेगी, अगर अच्छी परफॉर्मेंस होगी और अगर अच्छा डिविडेंड देना चाह रही है, अभी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट सिर्फ फाइनल डिविडेंड देने की है, वो भी जब प्रॉफिट आया, नहीं आया प्रॉफिट तो नहीं देंगे। अब बात ये है कि अगर कंपनी देना चाह रही है कि यार डिविडेंड हम दे दें, ठीक है ना, 3 महीने में या 6 महीने में कोई इंटरिम डिविडेंड देना चाह रही है, तो सर अगर कंपनी डिविडेंड देना चाह रही है तो सर ये भी कहाँ पे फैसला हो रहा होगा? ये भी लॉ ने पावर दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि आपस में रेजोल्यूशन पास करवा के डिविडेंड देना है कि नहीं देना, आप ये डिसाइड कर लो। अच्छा, दूसरी चीज, कभी भी कंपनी को लीज पे एसेट लेना होगा। लीज पे एसेट कैसे होता है? जैसे मैंने कोई जाके बैंक से गाड़ी ले ली, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मैंने बैंक से जाके घर कोई लीज पे ले लिया, बिल्डिंग वगैरह, मैंने लीज पे मशीन ले ली, ठीक है ना, वो मशीन वो एसेट गाड़ी हो सर, मशीन हो या घर हो, कोई भी ऐसा एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 मिलियन से ज्यादा हो, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 मिलियन से ज्यादा हो, सर लीज पे क्या हिसाब किताब होता है? सर जैसे आपने एन्यूटी पढ़ी थी ना, एन्यूटी वाला हिसाब किताब होता है सर। मैं क्या करता हूँ, एसेट ले लेता हूँ, मैंने गाड़ी ले ली, अब मैं बैंक को क्या करूंगा, मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसे देता रहूंगा। अब सर इसमें आ जाएगा, अब देखो आज गाड़ी की कीमत है कोई 12 लाख, ठीक है ना, अब मैंने आज गाड़ी ले ली, मैंने बैंक को कहा मैं ना तुम्हें 5 लाख में पैसे दे दूंगा। अब देखो 12 लाख आज प्राइस है, मैं बैंक को 12 लाख जो है ना आज नहीं दे रहा, मैं तो इंस्टॉलमेंट में देना जा रहा हूँ। तो जब भी टाइम ड्यूरेशन बीच में आ जाती है तो फिर किसका इम्पेक्ट पड़ जाता है सर? इंटरेस्ट का पड़ जाता है। तो वही हिसाब किताब है सर। अब 12 लाख की गाड़ी है जो कि आज गाड़ी मैंने ले ली, अब मैं इसकी इंस्टॉलमेंट में अगर पेमेंट करूंगा तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा सर? एन्यूटी के फॉर्मूला में से इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ेगी और इंस्टॉलमेंट जो रेंट होते हैं ना वो देता रहूंगा सर। तो मैं गाड़ी भी मेरी हो जाएगी और सर क्या होगा, मैं रेंट भी देता रहूंगा। तो सर जब भी इस तरीके से कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कोई टेंजिबल एसेट खरीदा जाता है रेंट वाले फॉर्म में, कोई भी ऐसा एसेट ठीक है ना, जो कि कैपिटल नेचर का हो, कैपिटल नेचर मतलब जो कि कैपिटलाइज हो सके, अगर मैं वो रेंट पे खरीद रहा हूं तो सर उसको हम लीज बोलते हैं। तो जब भी कंपनी या तो सर कंपनी खुद से पूरा एसेट खरीद ले, खुद से पूरा घर खरीद ले जिसकी कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा हो, जिसकी कॉस्ट 1 मिलियन से ज्यादा हो, ठीक है ना, या कोई ऐसा एसेट जो कि टेंजिबल एसेट हो, या तो खुद खरीद ले या तो कंपनी सर कोई ऐसा एसेट जो कि जिसकी कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा है उसको लीज पे लेना चाह रही है। इन दैट सिनेरियो डायरेक्टर ये जब भी करेंगे, जब सर आपस में क्या कर सकते हैं सर, जब से 10 मिलियन 1 मिलियन की बात कर रहा हूँ सर, 10 लाख से ज्यादा कोई अमाउंट हो तो सर वो आपस में रेजोल्यूशन पास करके फिर ये फैसला कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। या अगर कोई ऐसा एसेट हो सर, अगर उसको बेचना चाह रहे हैं, ठीक है ना, अगर उसको बेचना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, अगर कोई कंपनी का ऐसा एसेट है जो कि कंपनी यूज कर रही है, अगर उसको सेल करना चाह रहे हैं, अगर उसकी नेट बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, रिटन डाउन वैल्यू, WDV बोलो, नेट बुक NBV बोलो या कैरिंग अमाउंट, पता है ना क्या होता है सर, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट या रिटन डाउन वैल्यू। इन दैट सिनेरियो अगर कोई एसेट जिसकी WDV, नेट बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट सर अगर 1 लाख मतलब 0.1 मिलियन
1 मिलियन है, 1 लाख है करंटली, अगर उसको कंपनी सेल करना चाह रही है, अगर 1 लाख से ज्यादा है, अगर 1 लाख से ज्यादा है या 1 लाख है, अगर उसको कंपनी सेल करना चाह रही है, तो सर उनमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपस में रेजोल्यूशन पास करवा के आपस में मेंबर से नहीं पूछना पड़ेगा, आपस में सर, क्योंकि हर बात देखो अगर मैं मेंबर से पूछूंगा तो हर दफा मीटिंग कंपनी मुझे चलानी है, डायरेक्टर्स को या मेंबर्स को चलानी है, भाई डायरेक्टर्स को चलानी है, ठीक है ना। जब भी तो सर सेपरेशन फ्रॉम ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल है, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल है सर, सीधी बात है ना। अगर ये सारी चीजें तो ये तो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, ये नॉर्मली साल में पता नहीं कितनी दफा होगी, अगर हर बार में मेंबर से पूछता रहूंगा तो सर, अगर मैं हर बार मेंबर से पूछता रहूंगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि सारे खर्चे तो कंपनी के मीटिंग में उड़ जाएंगे, क्योंकि मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, उनको खाना खिलाना सर, अरेंजमेंट करने पे काफी खर्चा हो जाता है, तो और इससे ना मेरी एक्टिविटीज भी एफिशिएंट नहीं होगी। तो डायरेक्टर्स को कहा गया कि आपस में क्या करें, आप सर रेजोल्यूशन पास करके आपस में सलाह मशवरा करके, रेजोल्यूशन मतलब आपस में सलाह मशवरा करके सर आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, कभी भी कंपनी कोई कभी भी कोई कंपनी क्या करेगी, लीज पे कोई एसेट लेगी, अगर उसकी लीज पे एसेट ले रही है और उसका करंटली लीज का जो कर्जा है वो अगर 1 मिलियन से ज्यादा है, वो 10 लाख से ज्यादा है, ये बात कवर हो चुकी है, तो सर उसके केस में भी कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपस में फैसला करना पड़ेगा। दूसरी चीज, कभी कंपनी का क्या होता है कि डायरेक्टर को कोई भी चीज अपनी कंपनी से ही खरीदनी है, जैसे कि कंपनी क्या करती है सर, सीमेंट बना के सेल करती है, डायरेक्टर क्या कर रहा है सर, वो अपना घर बनवा रहा है और अपने ना घर के लिए सीमेंट खरीदना चाहता है अपनी कंपनी से। तो सर जब भी कोई डायरेक्टर अपनी कंपनी से कोई चीज खरीदना चाहेगा, अपनी कंपनी से कोई भी ट्रांजेक्शन करना चाहेगा, लोन लेना चाहेगा, लोन भी एक ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन का मतलब जिसमें बिजनेस एक्टिविटी आ जाए, जिसमें पैसों की एक्टिविटी आ जाए, ठीक है ना। कोई भी डायरेक्टर अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करना चाहता है अपनी कंपनी से, सीमेंट लेना चाहता है, कोई गुड खरीदना चाहता है, लोन लेना चाहता है, लोन देना चाहता है, इन दैट सिनेरियो, या कंपनी को कोई चीज खरीदनी है और डायरेक्टर का सर, डायरेक्टर का कहीं पे कारोबार है, कंपनी को कोई चीज खरीदनी है, ठीक है ना, तो सर कंपनी अपने डायरेक्टर के कारोबार में से खरीदना चाहती है, तो सर इन दैट सिनेरियो ये जब भी केस होगा, जब सर मतलब आप क्या होगा, जब आपका रेजोल्यूशन पास होगा डायरेक्टर्स में आपस में सर, ये सलाह मशवरा होगा सर, वहां पे ये डिस्कशन होगी, अगर वहां एग्री हो गए, रेजोल्यूशन पास हो गया तो फिर ये फैसला होगा, वरना नहीं होगा। दूसरी चीज, कभी भी कंपनी किसी ऐसे कारोबार में, किसी ऐसे कंपनी को कोई चीज खरीदनी है, कंपनी को मशीनरी खरीदनी है, एसी खरीदने, तो सर डायरेक्टर का कहीं पे कारोबार है, सर डायरेक्टर का कहीं पे कारोबार है, पार्टनरशिप बिजनेस, वहां पे आपकी कंपनी का डायरेक्टर वहां पे पार्टनर है, जैसे कि मिस्टर ए एक पार्टनर है, मिस्टर ए डायरेक्टर है पीआईए में, मिस्टर ए डायरेक्टर है पीआईए में, और मिस्टर ए का अलग से कारोबार भी चल रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस सर, वो है पी लिमिटेड सर, एक कोई कारोबार है पी एसोसिएट्स के अंदर, पीआईए का जो डायरेक्टर है मिस्टर ए, वो पी एसोसिएट के अंदर पार्टनर है। अगर अब पीआईए पी एसोसिएट के साथ कोई ट्रांजेक्शन करना चाहती है, एसी वगैरह खरीदना चाहती है, इन दैट सिनेरियो सर फिर क्या करना पड़ेगा सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, या आपकी कंपनी का डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है, इन दैट सिनेरियो सर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को सब्सिडरी बनाने जा रही है, उसके 50% से ज्यादा शेयर खरीदना चाह रही है, तो सर इन दैट सिनेरियो आपने क्या करना पड़ेगा सर, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा, ठीक है। या कोई सर, अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, अब देखो कंपनी डेटर बेड डेट्स क्या होते हैं, बेड डेट्स पता होगा आप लोगों को, जब मैं एक किसी बंदे को सर सेल करता हूं और काफी टाइम उधार पे सेल करता हूं, मैं एंट्री क्या मारता हूं सर, रिसीवेबल डेबिट सेल रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है ना सर, एक बंदे को मैंने सेल की
एक मेरा डेटर है, मैंने उसको सेल की, अब काफी टाइम हो गया वो ना मुझे पैसे नहीं दे रहा। तो सर अब मुझे शक हो रहा है कि यार अब मुझे पक्का हो गया कि ये पैसा नहीं देगा, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया सर, अब मुझे पक्का हो गया ये पैसे नहीं देगा, अब मैं उसको क्या करना। जब कोई सर आपको एक अंदाजा हो जाए कि यहाँ से पैसे नहीं मिलने वाले, तो सर अकाउंटिंग टर्म्स कहते हैं सर कि भाई अकाउंटिंग रूल्स कहते हैं कि भाई आप क्या करो कि इसको राइट ऑफ कर दो, अब इस पे आपका हक नहीं है, अब आपको पैसे नहीं मिलने वाले तो इसको हटा दो। तो आप क्या एंट्री करते हो सर, सर बेड डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है ना। अब देखो आप अगर आप कोई ऐसा रिसीवेबल है जिसको आप राइट ऑफ करने जा रहे हो, ठीक है ना, अगर कोई ऐसा रिसीवेबल है जिसको आप राइट ऑफ करने जा रहे हो और कोई वो बड़ा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट मैटर मटेरियल अमाउंट, आपकी कंपनी के हिसाब से सर 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 4.5 लाख है, 10 लाख है, अगर आपकी कंपनी के हिसाब से, आपकी कंपनी की सेल के हिसाब से वो काफी बड़ा अमाउंट है, तो उसमें भी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है, मेरा जो इन्वेंट्री होता है सर, मेरी वेयर हाउस में इन्वेंट्री बढ़ी हुई थी सर, वो खराब हो गई, वह बारिश का पानी आ गया, अब वो किसी काम की नहीं है, अब मैं उसको ना वो सेल नहीं हो सकती, अब मैं उसको अपनी इन्वेंट्री में से हटाना चाह रहा हूँ। मेरे पास हुआ क्या, जब मैं इन्वेंट्री परचेस करता हूँ, एंट्री क्या बनती है सर, इन्वेंट्री डेबिट, कैश या बैंक या क्रेडिटर क्रेडिट, अगर कैश दिया तो कैश क्रेडिट हो गया, बैंक में से पैसे दिए तो बैंक क्रेडिट हो गया, अगर सर कर्जे पे लिया है तो सर क्रेडिटर क्रेडिट हो गया। अब हुआ क्या, इन्वेंट फ्लड आ गया सर, सर बारिश हो गई, वेयर हाउस लीक हो गया, आपके वेयर हाउस में पानी आ गया, आपकी इन्वेंट्री खराब हो गई, तो सर अब मैं इन्वेंट्री को, अब वो सेल होने के काबिल नहीं है, तो सर अब मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूं, तो एंट्री क्या बनेगी सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है ना। इसी तरीके से सर अब बात यह है कि अच्छा दूसरी चीज, कंपनी पे कभी किसी ने केस किया है, कंपनी पे कभी किसी ने केस किया है या कंपनी ने किसी के ऊपर केस किया है, तो नॉर्मली क्या हो जाता है कि यार मेरा केएफसी का बिजनेस है और केएफसी से मेरा कोई केएफसी का बिजनेस है या मेरा कोई ब्रोस्ट वगैरह का या जिंगर वगैरह का बिजनेस है, मेरे पास आ गया सेफ, ठीक है ना। अब सेफ काफी बर्गर बच्चा, सेफ को बस वो जो है ना अच्छी सोच पे पहुंचा हुआ है, उसकी इतने जिंदगी में मसले नहीं है, उसको मैंने बर्गर दिया, उस बर्गर में आ गई मक्खी। अब सेफ ने जब खाया तो मक्खी जो है ना उसने देख ली, ठीक है ना, गलती से आ गया, तो उसने मुझ पे क्या किया, केस किया। अब केस किया, अब मैंने अपने, अब हर कंपनी का ना वकील होता है सर, लॉयर होता है। अब हुआ क्या कि केस हो गया, अब मैंने अपने वकील से पूछा, वकील साहब बताएं कितना, मतलब जो है मुझ पे जो है ना सेफ साहब ने केस कर दिया, अब कितना मुझ पे खर्चा लगेगा, कितना अगर मैं हार जाऊंगा तो कितनी पेनल्टी मुझे बेयर करनी पड़ेगी, कितने उसको देने पड़ेंगे सेफ को। वकील साहब ने मुझे बोला अपनी एक्सपर्टाइज से यार 10 लाख कम से कम ना सेफ को देने पड़ेंगे, एक एक्सपर्ट उसने किया। अब हुआ क्या, 10 लाख देने पड़ेंगे, अच्छा तो इसकी ना एक एंट्री बनती है IS 1037 के हिसाब से, जब आप FR2 में जाएंगे ना तो उसके हिसाब से आप कवर कर लेंगे, जैसे अभी आप IA के अंदर IS 16 पढ़ रहे हो ना, वैसे FR2 के अंदर IS 1037 पढ़ोगे। लेकिन हुआ क्या, अब मैं सेफ को लेके गया रानीबाग, मैंने रानीबाग में जाके सेफ को झूले झुलाए बड़े आराम से, सेफ को मैंने गोला गंडा खिलाया सर, स्लाइस जूस पिलाया। अब सेफ को मैंने बोला छोड़ यार, अब क्या कोर्ट बोर्ड जाना, वहां के तू भी खर्चे करे, वकील के खर्चे भी बेयर करे, रोज तारीख पे तारीख। अब ऐसा करते हैं कोई बीच की बात कर लेते हैं, तू बता कितने चाहिए तुझे। सेफ ने बोला यार मुझे ना 8 लाख चाहिए। अब देखो, अब मैं लॉ सूट को कंप्रोमाइज करने जा रहा हूँ, लॉ सूट को कंप्रोमाइज करने जा रहा हूँ, कंप्रोमाइज मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने जा रहा हूँ। इन दैट सिनेरियो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा, यार ये जो है ना 8 लाख में मान रहा है, वैसे 10 लाख भरने पड़ेंगे, आप क्या कहते हो, उसको दे दूं? तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान जाए तो आपने देने पड़ेंगे, या आपने किसी के ऊपर केस कर दिया है, आपने किसी के ऊपर केस कर दिया है, तो सर अगर आप कोर्ट गए तो कोर्ट में पता लगा कि वकील ने कहा कि 12 लाख मिलेंगे, तो कोई बंदा सामने आया आपको जिसके ऊपर आपने केस किया, उसने सर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आपसे किया कि यार अब 12 लाख को छोड़, 6 लाख रुपए ले ले, तो अगर इस तरीके की कोई बात होगी ना जिस पे केस वगैरह जो कि कंपनी के फेवर में होगा, तो सर उस पे कोई अगर आप सेटलमेंट कर रहे हो तो सर वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा। सर अगर आप यहां तक रीड कर लें सर, यहां तक रिड्यूस तक, वेनिस्ट और रिड्यूस तक आप रीड कर लें, ठीक है ना, फिर रीड करके फिर मुझे बताएं, अगर कोई भी मसला हो आखिरी पॉइंट तक रीड कर दें, कोई भी मसला हो तो मुझे बताएं सर, फिर हम कंटिन्यू करें, कोई भी मसला हो।
चलें सर अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आप देखो ये जो ऊपर वाली बातें पढ़ी ना हमने, डायरेक्टर से लेके रिड्यूस तक जो अभी आपने रीड भी की, ये सारी कंपनीज पे अप्लाई होती हैं, प्राइवेट कंपनी पे भी अप्लाई होती हैं। सर गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, सर पब्लिक कंपनी लिस्टेड अनलिस्टेड सब पे अप्लाई होती है। लेकिन जो आप नीचे वाली तीन बातें पढ़ने जा रहा हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होती है, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी पे, लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी दोनों पे, ये ना प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई हो रही होगी, ये ना सर गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल नॉट हैविंग शेयर कैपिटल पे अप्लाई हो रहे हैं। तो इन बातों, इन तीनों बातों का ख्याल करना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको पेपर के अंदर ना सर सर कंपनी की ओर बिल्कुल अल्टर कर सकती है। ये इन तीनों बातों का ना सर ख्याल करना, कहीं पेपर के अंदर सर ये हाल ना हो जाए कि आपको ना तीनों बातों में से कोई एक बात दी जाए और बताओ इनमें से ये जो बात है प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई होती है, या सर एमसीक्यू आ जाए कि ये नीचे वाली तीन बातें जो है अब पढ़ने जा रहे हैं हम, ये तीन बातें जो है सर ये बताओ प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई होती है, पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होती है, या सर गारंटी लिमिटेड पे अप्लाई होती है, किसी पे भी नहीं होती। तो आपको ख्याल करना पड़ेगा सर ये पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होती है, ये तीनों जो है ना प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होती। प्राइवेट कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ये तीन पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी वाले ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सर अब लॉ ने बोला कि यार, लॉ ने बोला अगर बोर्ड, अगर जनरल मीटिंग के अंदर, जनरल मीटिंग के कितने टाइप्स होते हैं, मीटिंग के दो टाइप्स होते हैं सर, एक बीओडी मीटिंग होती है एक जनरल मीटिंग होती है। सर जनरल मीटिंग के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, सर जनरल मीटिंग बीओडी मीटिंग वो मीटिंग होती है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग वो मीटिंग होती है जो कि सर मेंबर्स की मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग के कितने टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं सर, स्टेजरी मीटिंग सर, एनुअल जनरल मीटिंग, तो उसके अलावा तीसरी कौन सी मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है ना। उसी तरीके से सर अब देखो, अगर पब्लिक लिस्ट, पब्लिक कंपनी भी जब भी ये पावर एक्सरसाइज कर सकेंगी, तीनों पब्लिक कंपनी भी जब भी, पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर भी जब भी पावर ये एक्सरसाइज कर सकेंगे तीनों, जब मेंबर्स ने उनको इजाजत दी हो। अगर मेंबर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, सर इन तीनों में तो आपने पूछना ही नहीं है ना जनरल मीटिंग में, क्योंकि मेंबर आपको अप्रूव करें या ना करें आप ये एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। लेकिन पब्लिक लिस्टेड के लिए कहा, पब्लिक अनलिस्टेड के लिए लॉ ने कहा कि ए पब्लिक कंपनी तू ये एक्सरसाइज कर सकती है जब तुझे मेंबर्स इजाजत दे दें, या स्टेजरी मीटिंग के अंदर इजाजत दे दें, या तुझे सर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर इजाजत दे दें, या सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर इजाजत दे दें। सर इजाजत एक ही दफा लेनी पड़ेगी जिसके अंदर सारी बातें आ जाएंगी। भाई क्या ये डायरेक्टर्स तीनों पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, तीनों में से दो की इजाजत दे दी, एक की नहीं दी, एक की दे दी दो की नहीं दी, तीनों की नहीं दी, या तीनों की दे दी तो ये मेंबर्स किसी की भी इजाजत दे दें तो फिर सर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वरना वो नहीं कर सकते। सर कौन कौन से वो तीन पावर्स हैं, सर तीन पावर्स वो ये पावर्स हैं, अगर कोई कंपनी, अगर कोई कंपनी सर अपने, कंपनी की एक फैक्ट्री है, कंपनी की एक हेड ऑफिस है सर, एक ब्रांच ऑफिस है और एक फैक्ट्री है, अगर कंपनी अपनी ब्रांच ऑफिस बंद करना चाह रही है, अगर कंपनी अपनी ब्रांच ऑफिस बंद करना चाह रही है, या कंपनी की कोई भी ऐसी अंडरटेकिंग, मतलब कोई भी ऐसी जगह जो कि प्रॉपर्टी के अंदर कवर हो रही हो, या कोई भी ऐसी जगह जिस पे कंपनी बिजनेस कर रही हो, अगर वो कंपनी उसको बंद करना चाह रही है, अपनी कंपनी का एक हिस्सा बंद करना चाह रही है, शट डाउन करना चाह रही है, ठीक है ना, या कोई कंपनी के दो वेयर हाउसेस हैं, एक वेयर हाउस को बंद करना चाह रही है, एक फैक्ट्री को बंद करना चाह रही है, ठीक है ना, अगर वो वेयर हाउस वो फैक्ट्री टोटल एसेट्स के कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं अगर उसके 25% के बराबर है, अगर उसके 25% के बराबर है, जैसे कि कंपनी की दो फैक्ट्रीज है और एक हेड ऑफिस है, कंपनी एक अपना वेयर हाउस सेल करना चाह रही है, या कोई भी ऐसा एसेट वो सेल डिस्पोज ऑफ करना चाह रही है, या उसको रेंट पे देना चाह रही है, ठीक है ना, या उसको लीज पे देना चाह रही है, ठीक है ना, इन दैट सिनेरियो अगर वो 25% टोटल एसेट के 25% के बराबर है वो एसेट, ठीक है ना, तो इन दैट केस कंपनी को जनरल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं अगर उनको जनरल मीटिंग में मेंबर्स ने इजाजत दी है। ये सिर्फ कौन सा कर सकता है, पब्लिक कंपनी वाले, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। दूसरी चीज, अगर कंपनी की कोई सब्सिडरी है, जैसे सर, जैसे कि अब अगर आप, मैं कोई बात कहूं कि ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया है, लेट सपोज ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया है, ठीक है, अब सर
सीन ये, अगर मैं आपको रियल लाइफ का एक एग्जांपल दे दूं, जैसे पीआई है ना, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसकी सब्सिडरी है सेबर पाकिस्तान, ये रियल लाइफ में है, ठीक है ना। सेबर पाकिस्तान एक प्राइवेट कंपनी है सर, वो क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें जो कस्टमर्स है ना, अगर आप एजेंट के पास जाते हो, आपने कोई, ये रियल लाइफ बता रहा हूँ, अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हो और आप उसको बोलते हो कि यार मुझे ना प्लेन की टिकट चाहिए, ठीक है ना, एयरलाइन की टिकट चाहिए कहीं भी जाने के लिए, तो ये कोई टिकट इस तरीके से तो नहीं है ना, जैसे ट्रेन के स्टेशन पे जाके या बस के स्टॉप पे जाके आपने ले ली, नहीं सर ऐसा तो नहीं है, मुझे दुनिया भर की एयरलाइन का नेटवर्क चाहिए, मैं दुनिया भर की एयरलाइन का किसी का भी बुकिंग करना चाह रहा हूँ, मैं सऊदी एयरलाइन का लेना चाह रहा हूँ, मैं एमिरेट्स का लेना चाह रहा हूँ, तो इन दैट सिनेरियो मुझे कहाँ से उनकी सीट्स का बुकिंग का पता लगेगा। तो सर होता ये है कि ये सेबर पाकिस्तान क्या करता है कि एजेंट्स को सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोवाइड करता है जिसके अंदर दुनिया भर के एयरलाइंस की सर लाइव अपडेट आ रही होती है कि कौन सी एयरलाइन में कौन कौन सी जगह खाली है और कौन कौन सी एयरलाइन कब कब और कहाँ कहाँ किस किस टाइम जा रही है, तो इसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। फिर आप एजेंट के पास जाते हो, आप एजेंट के पास उसको बताते हो और वो क्या करता है सर, बुकिंग करता है। मीन वाइल सेबर पाकिस्तान इसमें क्या कमा रही होती है, कमीशन कमा रही होती है, ठीक है ना। अब होता क्या है, उनका रेवेन्यू कमीशन इनकम हो जाता है। सर होता क्या है कि पीआईए एक लिस्टेड कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कौन है सर, उसकी सब्सिडरी है आपकी सर सेबर पाकिस्तान, ठीक है ना। कभी भी पीआईए के अकाउंट उठा के देखेंगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सर उसका ना सेबर आ रही होगी इन्वेस्टमेंट एज अ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। अब पीआईए की पीआईए इज द लिस्टेड कंपनी, अब उसकी सब्सिडरी कौन है, सेबर पाकिस्तान। अब अगर पीआईए ने सब्सिडरी को सेल करना है तो कैसे सेल करना पड़ेगा सर, वो सब्सिडी बनी कैसे होगी सर, शेयर परचेज करके। शेयर परचेज करके पीआईए ने सेबर पाकिस्तान को अक्वायर कैसे किया होगा, क्या बिल्डिंग खरीद ली होगी, क्या सर उसके एम्प्लॉयज खरीद लिए होंगे, नहीं सर, उसने अक्वायर, एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है बाय परचेजिंग शेयर्स, बाय अक्वायरिंग शेयर्स मोर देन 50%। इन दैट सिनेरियो अब कभी भी कंपनी पीआईए को, अगर पीआईए एक लिस्टेड कंपनी है जिसके शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नजर आ रहे होते हैं, ये रियल लाइफ का पूरा सिनेरियो बताया मैंने आपको, अगर पीआईए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कभी सेबर पाकिस्तान को सेल करना है, डिसइन्वेस्ट करना है, उसके शेयर्स सेल करने हैं, सब्सिडरी के शेयर्स सेल करने हैं, इन दैट सिनेरियो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सर ये पावर मिलेगा। जब मिलेगा पीआईए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब सेल कर सकेंगे, जब जनरल मीटिंग में ये पावर दिया गया हो पहले से ही, पर अगर नहीं दिया गया तो वो सेल नहीं कर सकेंगे सर, फिर किससे पूछना पड़ेगा, अगर पावर नहीं दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये काम करना चाह रहे हैं तो फिर किससे पूछना पड़ेगा, फिर बेटा मेंबर से पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर मेंबर ने ये पावर दे दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो सर पब्लिक कंपनी ये पावर एक्सरसाइज करके सब्सिडी को सर डिस्पोज ऑफ कर सकती है, ठीक है। तो सर दूसरी चीज के अगर हाँ सर डिस्पोज ऑफ करेगी तो होगा क्या, कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर पावर दिया गया है सर आपस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करके उसको देंगे, ठीक है ना, रेजोल्यूशन पास होगा बोर्ड के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज सर, अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया है, अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया हुआ है, ठीक है ना, या किसी को सर किसी को एडवांस वगैरह दिया हुआ है, मटीरियल अमाउंट का एडवांस है, जैसे कंपनी ने अपनी सब्सिडी को लोन दिया है, कंपनी ने अपने सर एसोसिएटेड कंपनी को लोन दिया है, कंपनी ने किसी और बंदे को लोन दिया है, कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लोन दिया है, ठीक है ना। अगर अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है ना, कोई डायरेक्टर है, कोरोना आ गया, वो बेचारा पैसे नहीं दे पा रहा, एसोसिएटेड कंपनी है, उसका कारोबार नहीं चल पाया इस साल, वो पैसे दे नहीं पा रही, या कोई सब्सिडरी कंपनी है या कोई और बंदा है जो कि पैसे नहीं दे पा रहा टाइम पे, तो सर अगर हम उसको अब एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं, हम उसको रिलीफ देना चाह रहे हैं, जा भाई तुझे जो 10 लाख देने थे ना 2 लाख माफ कर दिए, 8 लाख रुपए हमें दे दे, जा भाई तुझे 10 लाख देने थे ना, तुझे 10 इंस्टॉलमेंट थी ना 2 इंस्टॉलमेंट माफ कर दिए, 8 इंस्टॉलमेंट दे दे यार, या इस तरीके पैसे माफ किए नहीं किए, हमने बोला तुझे भाई क्या करना था, तुझे ये करना था ना 10 लाख देने थे 10 महीनों में, ठीक है ना, अब ऐसा कर तू भले 1.5 साल में दे दियो, मैंने या तो टाइम बढ़ा दिया एक्सटेंशन दे दी, या 2 इंस्टॉलमेंट माफ कर दी, या अमाउंट थोड़ा सा माफ कर लिया, अगर इस तरीके का कोई सीन हो तो। अगर जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पब्लिक कंपनी में
सर अगर उनको इजाजत दी गई है तो वो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ठीक है सर। तो ये बात है। दूसरी चीज सर, अब ये जब भी पावर में एक्सरसाइज करूंगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऊपर वाली किसी भी में से बाद में से ऊपर जो सबके लिए बातें थी, ऊपर से लेके पावर ऑफ डायरेक्टर से लेके नीचे एक तक अगर कोई भी ऐसा कोई काम डायरेक्टर करेंगे तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, आपस में रेजोल्यूशन पास करेंगे, आपस में डिस्कशन करके रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है। बाद में नहीं करेंगे, कोई मैं काम करके बाद में रेजोल्यूशन पास करूं ऐसे नहीं होगा, पहले से मुझे आपस में डिस्कशन करनी होगी, रेजोल्यूशन पास होगा, अगर सब एग्री हो जाएंगे तो फिर बात होगी, वरना नहीं होगी, मेजोरिटी एग्री हो गई तो। सर अगर रेजोल्यूशन पास हो गया, रेजोल्यूशन पास तो करवा लिया, अब डायरेक्टर ने अगर एक साल तक रेजोल्यूशन पास करवा के एक साल तक अगर काम नहीं किया, रेजोल्यूशन की डेट है लेट सपोज 1 जनवरी 2020, तो सर अब एक साल का पूरा होगा सर 31 दिसंबर 2020। अगर एक साल तक रेजोल्यूशन पास होने के एक साल तक अगर आपने वो काम नहीं किया तो रेजोल्यूशन लेप्स हो जाएगा, उसकी कोई औकात नहीं रहेगी, मतलब आपके पास एक साल का टाइम है, ठीक है ना, फिर आपको वरना दोबारा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर आज के लिए अब यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम।